रुक करते हैं अब प्रदेश की ओर। बिलासपुर जिला के भपराल गांव के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत प्रधान के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पंचायत प्रधान द्वारा अपनी मनमानी करने और निजी फायदे के लिए कार्यों को अंजाम देने के आरोप लगाते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग उठाई है। बिलासपुर जिला के बापराल गांव के ग्रामीणों ने पंचायत प्रधान के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पंचायत प्रधान द्वारा अपनी मनमानी करने और निजी फायदे के लिए कार्यों को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। बिलासपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से मुलाकात करते हुए बापराल पंचायत के उप प्रधान सहित ग्रामीणों ने पंचायत प्रधान पर आरोप लगाया कि पंचायत द्वारा बनाए जाने वाले सड़क को अपने घर तक ले जाने तक के मकसद से मलकित जमीन के सड़क में तब्दील करने और ग्रामीणों द्वारा विरोध किए जाने पर उन पर जाति सूचक झूठा केस दर्ज करवाने का आरोप चढ़ा है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए बिलासपुर कार्यकारी उपायुक्त विनय दीवान को ज्ञापन भी सौंपा है। ग्राम पंचायत भपराल की प्रधान है ना, वो एक रास्ता बनाया हुआ था पंचायत के द्वारा, तो उसको वो अपने घर, अपने मतलब उसका घर आता है ना उसके सामने, अपने घर तक तो सड़क बनाने के लिए वो मलकियत जमीन पर उस रास्ते के ऊपर सड़क में तब्दील कर रही थी जबरदस्ती से जेसीबी ला करके, तो पत्थरबाजी की। और फिर जो है ना वो हरजन की बस्ती बीच में आती है, तो उनको उकसाया कि आप जो है मेरे घर तक सड़क बनवा दो, और अगर ये कोई बीच में आएगा जमीन वाला तो उनके ऊपर हम ये जाति सूचक वाला केस बनवा देंगे। हमारी पंचायत के अंदर ये गांव बनी बनी पकड़ियों के बीच में एक जो हरजन बस्ती है उसके बीच में कुछ शरारती तत्वों द्वारा ये एट्रोसिटी या जाति सूचक एक्ट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे गरीबों की जगह को जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है और हमें धमकियां दी जा रही है हमारे पूरे समाज को कि अगर आपने हमें जमीन नहीं दी तो हम आपके ऊपर एट्रोसिटी लगाएंगे। इसकी वजह से पहले 4 दिन के ऊपर लगी और दोबारा उन्होंने 4 दिन के ऊपर लगाई हुई है, जिसकी वजह से एक हमारे गांव में एक पंडित राजू है उसके ऊपर लगी और उसकी मिसेज के ऊपर लगाई तो उनकी जो माता जी थी इस गम के कारण उसको हार्ट अटैक पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए और जो व्यक्ति इसका दोषी है उसके ऊपर उचित से उचित कठिन उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए।